अर्गसरे खबर परे खोर्धा मंगला जोड़ी मंदिर को गले श्रीजीव पूजकों पाउणा न मिलबारु कोड़े दिन है रथे थे महाप्रभु सेपटे श्रीक्षेत्र आरंभ है तीन रथर भंगा कार्य नंदीघोषर चक निलाम मूल्य एथर देढ़ लक्ष टा धार्य शेषे पुलिस हस्तक्षेप देउल को विजे कले चतुर्धा मूर्ति ग्रामवासी घंट घंटा खोल कीर्तन कर दियमान मंदिर भितर को नहीं खोर्धा टांगी थाना अधीन मंगलाजोड़ी गाँव में बाहुड़ा जात्रा ठारु सेमिति रथरे रही थे चतुर्धा मूर्ति पूजकों पाउणा न मिलिथिबारु एभली अभावनीय चित्र देखा मिलता यह ग्रामवासी असंतोष देखा मिलता एने अर्गसरे खबर प्रसारण पर हस्तक्षेप कर पुलिस पर पूजक आसी कोड़े दिन पर दियमान मंदिर भितर को नहीं समस्त दुखित हेल्ले कौन करूँ सेवक मैंने कहते आम को सत हजार टाँचा देने आम मंदिर को नबू ना नबु ठाकुर प्रत वर्ष रथयात्रा पर जाती गंभीर भितर को जाती तेना बड़ दुर्भाग्य विषय आज की उन्नीस दिन होगा ठाकुर गंभीर भितर को जाऊना जो युवपीढ़ी मैंने करूँ से मत आलोचना कली से भी अच्छा आम युव सरपंच विकास महाराणा ता सहित भी आलोचना कली आम बहुत प्रयास कलु तथा से कहते आम मंदिर आम सब आम ए पूरे देवुन कितु ये संकीर्तन अष्टभरी सब दिवस को लेकिन भी दोल मंडप बसुस आंकड़ा पैसा लोभ लगी पैसा जो से मंदिर भितर पूरे आम निष्पत्ति नापी आम गाँव में गोटे एकाग्रता थी ए बाबद कई डिस्कसन कोड़े कोड़े दिन है ठाकुर रही जो मैंने ठाकुर को लेकिन रथ भिड़ करूर प्रतिक्रिया कि ना कि पैसा लोभरे ठाकुर को मंदिर पूरे दौना ब्रजमोहन दास कहते आठ हजार टाँग आमको दावी करूँ गाँव ठाकुर जो आठ हजार टाँग दबाटा संभव नुहे तथा दु हजार टाँग देवे आम पे कहते सेपटे श्रीक्षेत्र में तीन रथर भंगा कार्य आरंभ कर नियम मुताबक श्रीमंदिर प्रशासन चिठी पर भोई सर्दार रवि भोई नेतृत्व में रथकाट तत्वावधारकों तत्वावधान में आरंभ हो रथ भंगा प्रक्रिया प्रारंभिक पर्यायर आठ जन भोई सेवकों द्वारा आरंभ हो देवदलन रथ भांगा कम पर तालध्वज और शेष में नंदीघोष रथ भंगा प्राय बार रु पंद्रह दिन लगे यह कम सर आरंभ नाहा काड़िया नाहा काम ठारू छामंडिया काम ठारू चाप निर्माण एमती रथ निर्माण आदि आम भोई सेवक मानक कार्य थाए आज भी आम जोटा कि रथ सरीगला रथ भागिया खोलिया कार्य हो भोई सेवक मानक रथ खोलिकी यथास्थान कंटा इत्यादि रथर सामग्री जिनस यथास्थान रखा हो भोई सेवक मानक कार्य प्रशासन निर्देश क्रमे आम आज महाप्रभुर तीन गोटी रथ रु आम माँ देवदल सुभद्रा रथ आज अनुकूल कर भांगुचु आम आज से गोटे रथ चार दिन लगे भांगापी आम आठ जन सेवक लगी भोई सेवक तेणु आम भोई सेवक ही रथ भांगू यही प्रकार तीन गोटी रथ पंदर दिन बार दिन खंडे लगे भांगिक तले पकड़ नुआ एसओपी अनुसार रथर चक निलाम प्रक्रिया 50% रथचक विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मी अनुष्ठान लीला क्षेत्र दारू मिलता क्षेत्र को अग्राधिकार भितर दिज्व एथसहित विभिन्न जिला प्रशासन कार्यालय को मध्य दिज्व अन्य 50% आवेदन करेंगे श्रद्धा श्रीमंदिर प्रशासन वेबसाइट जरिया 1001 टंका दे नीलामी आवेदन ऑफलाइन रे मध्य श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय रे मुख्य प्रशासकों को आवेदन करहब रथचक नीलाम गठित सब कमिटी यार निष्पत्ति नेब इच्छुक व्यक्ति माने www.श्रीजगन्नाथ.in माध्यम रे ऑनलाइन रे आवेदन करें चलित वर्ष महाप्रभु जगन्नाथों नंदीघोष रथर चक बेस प्राइस 1,00,000 परिवर्ते 1,50,000 टंका धार्य होची देवी सुभद्रा देवदल रथचक 50,000 टंका एवं बड़ ठाकुर बलभद्रा तालध्वज रथर चक 60,000 टंका को वृद्धि करने को निष्पत्ति होची सेपटे प्रभारदर 25,000 टंका रखा जाइथिबा बेले गुज एवं अश्वारी 10,000 टंका लेखा रखा जाइछि रथर चक गुज अश्वारी प्रभा सब गुंचा मंदिर को जीव एसब बिक्री करा जीव एवं रथ काठ गुड़िक आम गुंचा मंदिर रख प्रत्येक दिन महाप्रभु कोठभोग विनियोग आज बर्तमान आठ जन भविष्यवाद लगी बर्तमान रथ भांगुंट यापर काठ बोवाप अलग लोक आसवे से काठ बोह गुंचा रखे लीला क्षेत्र एवं पुरतन जगन्नाथ संपर्कित पीठ गुड़ाक जो पलैब ते निश्चित भाव आउ रही नष्ट दिजावन एक आलोचना रोचे
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି, ତେଣୁ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବେଳକୁ ତିନି ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ଅଶ୍ୱ, ସାରଥୀ, ଓଲଟ ଶୁଆ ଆଦିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳବର ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳି ହେବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ରଥର ଟୁକୁରା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ରୋଷେଇ କାମ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚକ ଏବଂ ପ୍ରଭାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଉଚିତ ପାଉଣା ଦେଇ ଏହାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ, ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।